हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर मैथ्स, स्वागत है आप लोगों का। आज हम एग्जाम्पल्स करेंगे। हमने कल जो पढ़े थे वो थे सम संख्या के मूल, यानी कि रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम एग्जाम्पल कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल आप देखिए ध्यान से क्या है। सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं Z1, Z2, Z3 शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, शीर्ष वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो होता है Z2 माइनस Z3, ठीक है, Z1 का स्क्वायर और अपॉन में 4 iota Z1, ठीक है। और ये प्रदर्शित करना है, प्रदर्शित करिए कि त्रिभुज समबाहु अगर है, त्रिभुज कैसा है अगर समबाहु है तो क्या हो, Z1 का स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर प्लस Z3 का स्क्वायर इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z3 Z1, Z2 Z3 और Z3 Z1, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सामने, तो 3 शीट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ, इसमें यहाँ से देखिए, यहाँ पास क्या है, Z1 है, X1 Y1, ये Z2 है, ठीक है, X2 Y2, और ये Z3 है, X3 एंड Y3, ठीक है। 3 आपके पास क्या है, उनके शीश हो गए और आपने उनके निर्देशांक भी लिख लिए। तो Z1 क्या हो जाएगा आपके पास, पता ही आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्म चल रही है, तो ये X1 प्लस आयोटा Y1 होगा। Z2 जो है वो क्या हो जाएगा, X2 प्लस आयोटा Y2, और Z3 जो है वो क्या हो जाएगा, X3 प्लस आयोटा Y3 हो जाएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा, 1/2 X1 X2 X3 Y1 Y2 Y3 और 1 1 1, ये हमारे पास होता है त्रिभुज क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। तीनों भुजाएं ले ली और 1 1 1 ले लिया गुणांक, ठीक है, आगे का लग गया 1/2। अब से सॉल्व करते हैं, तो देखिए आप 1/2 नीचे लगा दिया मैंने आयोटा, इस तरह से मैंने क्या कर दिया कि ऊपर भी आयोटा से गुणा कर दिया, नीचे भी आयोटा से गुणा कर दिया, तो आयोटा Y1, आयोटा Y2 और आयोटा Y3, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने आयोटा Y1 Y2 Y3 लगा दिया और नीचे का लगा दिया 2 आयोटा लग गया। आगे देखते हैं, इसमें ही देखते हैं हम यहाँ पे, तो देखिए आप क्या हो जाएगा, 1/2 और 2 आयोटा, ठीक है, X1 प्लस आयोटा Y1 कर दूं, ये तो हो जाएगा X2 X3, यानी कि मैं फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम ऐड कर रहा हूँ, ये हो जाएगा X1 प्लस आयोटा Y1, X2 प्लस आयोटा Y2 एंड X3 प्लस आयोटा Y3, ठीक है, 1 1 एंड 1, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे इस पेज की जरूरत नहीं है, अब मैं इसी नए पेज पे लगा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, चाहे मैं आगे लिख लेता हूँ, 1/2 आयोटा, और ये क्या हो जाएगा, Z1 X1 X2 एंड X3, ठीक है, और ये X1 प्लस आयोटा Y1 क्या हो जाएगा, Z1
जेड टू एंड जेड थ्री, वन वन एंड वन, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ ओपन, तो वन अपॉन टू आटा रहेगा बाहर और ये ओपन हो जाएगा। जैसे हम ओपन करते हैं कि सारणिक को, एक्शन आ गया कॉमन यानी बाहर, ये रो गई, ये कॉलम गया, जेड टू माइनस जेड थ्री, ठीक है, माइनस के एक्स टू, और ये गया, ये इधर गया, तो ये बचेगा आपके पास जेड वन माइनस जेड थ्री, ठीक है, प्लस में एक्स जेड सॉरी एक्स थ्री, और ये जाएगा आपके पास जेड वन माइनस जेड टू, ठीक है, वन अपॉन टू आयोटा। ये जाएगा आपके पास एक्स वन जेड टू माइनस जेड थ्री, मैं प्लस कर देता हूँ, इसको कर दूंगा जेड थ्री माइनस जेड वन प्लस एक्स थ्री जगह जेड वन माइनस के जेड टू, ठीक है, वन अपॉन टू आयोटा एक्स आयोटा जेड टू माइनस जेड थ्री, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू आयोटा, ठीक है, समेशन ऑफ एक्स आयोटा जेड टू माइनस जेड थ्री हो जाएगा। अब इस समेशन को ओपन करना है हमें, है ना, एक्स आयोटा है ये, सॉरी एक्स आयोटा नहीं, सॉरी एक्स वन है ये, ठीक है। समेशन लगाने का मतलब क्या होता है कि आपको इसी तरह से बाकी टर्म्स मिलेगी। मैंने इस पूरी टर्म्स को एक क्या कहते कॉमन टर्म में या फिर एक पैटर्न में पैक करके समेशन लगा दिया, इस हर तरफ प्लस लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो आप जेड टू माइनस जेड थ्री, जेड थ्री माइनस जेड वन, देखो वन टू थ्री, फिर जेड टू आ गया जाएगा, जेड थ्री माइनस जेड वन है, ठीक है, और फिर एक्स थ्री है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, और फिर यहाँ पर जेड वन माइनस जेड टू जाएगा। तो पैटर्न आपको समझ में आ ही जाएगा, और ऐसा काम आपको आगे भी करना होगा, तो इसलिए सीख लीजिए इसको, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो जेड एक्स वन है ना, इसको जगह मैं क्या लिख रहा हूँ, देखिए अगर मैं आपसे कहता हूँ कि जेड वन प्लस जेड वन का बार, ये जाएगा एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन प्लस एक्स वन माइनस आयोटा वाई वन, ये हो जाएगा कैंसिल, बच जाएगा यहाँ पे टू एक्स वन। तो एक्स वन की जो वैल्यू है मुझे मिल जाएगी यहाँ पे जेड वन प्लस जेड वन का बार अपॉन टू मिलेगी। तो मैं एक्स वन की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, जेड वन प्लस जेड वन का बार अपॉन टू, और टू नीचे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फोर आयोटा, ठीक है, क्या हो जाएगा, फोर आयोटा। समीशन में लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास जेड वन प्लस जेड वन का बार, और ये हो जाएगा जेड टू माइनस के जेड थ्री। अब मैं करता हूँ इसको मल्टीप्लाई, जेड वन इंटू जेड टू माइनस के जेड थ्री, और जेड वन का बार इंटू में जेड टू माइनस के जेड थ्री, ठीक है, वन अपॉन फोर आयोटा, तो आ गया वन अपॉन फोर आयोटा, ये आ गया आपके पास बाहर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से देख लो आप, ये तो मैं बाहर का नहीं तो है ही, समीशन में लगा रहा हूँ, इस पर समीशन लगने की जरूरत ही नहीं है आयोटा के ऊपर, तो इस फोर आयोटा पर। तो ये देखिए आप जेड वन, यहाँ जो बचेगा ना वो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ये बचेगा, ये वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्यों, देखिए आप ध्यान से साइड में बताता हूँ, कि जब समीशन लगेगा आपके पास, समीशन ऑफ जेड वन जेड टू माइनस के जेड थ्री, तो क्या होने वाला है, तो हमारे पास यहाँ पे जेड वन इंटू जेड टू माइनस के जेड वन इंटू जेड थ्री, ठीक है, समीशन हटता है मान लो, ठीक है, पहले मैं समीशन हटा देता हूँ यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, जेड वन जेड टू माइनस के जेड थ्री प्लस वन टू थ्री है, तो यहाँ पे आ जाएगा टू जेड वन जेड थ्री माइनस के जेड वन, और फिर आ जाएगा जेड थ्री, ठीक है, थ्री वन और टू, तो ये देखो आप जेड वन जेड टू माइनस के जेड वन जेड थ्री प्लस जेड थ्री माइनस के जेड टू जेड वन, ठीक है, और जेड वन माइनस के जेड थ्री जेड टू, देखिए सब वैल्यू कट रही है यहाँ पे, जेड थ्री जेड टू प्लस का माइनस का, जेड थ्री जेड वन प्लस का माइनस का, और जेड टू जेड वन प्लस का माइनस का, सब कट गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, जीरो हो गया।
ये टर्म तो जाएगी जीरो, ये बच जाएगी समेशन ऑफ जेड वन का बार एंड जेड टू माइनस के जेड थ्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या कर रहे हैं, ऊपर और नीचे जेड वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जेड वन से ऊपर व नीचे मल्टीप्लाई करने पर जो चीज आपको चाहिए प्रूफ करने के लिए उसको आप देख के चलो, आपका अपना प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, तो वन अपॉन फोर आयोटा समेशन ऑफ जेड वन बार अपॉन जेड वन जगह जेड टू माइनस के जेड थ्री। ठीक है, वन अपॉन फोर आयोटा जेड वन और जेड वन का बार अपॉन में टू आयोटा और ये क्या हो जाएगा जेड टू माइनस के जेड थ्री हो जाएगा ना। तो अब जेड वन इंटू जेड वन बार क्या होता है, जेड वन का स्क्वायर ये होता है, तो वन अपॉन फोर आयोटा समेशन जेड वन का मोड का स्क्वायर हो जाएगा जेड वन इंटू जेड वन बार और नीचे आ जाएगा जेड वन ये जाएगा जेड टू माइनस के जेड थ्री। यही चीज हमको यहाँ पे प्रूफ करनी थी, चाहे आप देख सकते हैं। ठीक है, देख लीजिए आप, जेड टू माइनस जेड थ्री जेड वन बार का स्क्वायर अपन फोर आयोटा जेड वन, तो ये फोर आयोटा है और ये जेड वन है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से। तो ये आपका हो गया प्रूफ, हैंड्स प्रूफ। ठीक है, एक पार्ट। तो अब सेकेंड पार्ट प्रूफ करना है। ठीक है, वो क्या है, यदि त्रिभुज समबाहु है, त्रिभुज कैसा है, समबाहु है अगर, तब जेड टू माइनस के जेड वन का होल स्क्वायर बराबर जेड थ्री माइनस जेड वन का होल स्क्वायर होता है और जेड थ्री माइनस के जेड टू का होल स्क्वायर बराबर होता है। ये सब बराबर होते हैं आपस में अगर त्रिभुज कैसा हो, समबाहु हो तो। ठीक है, अगर त्रिभुज समबाहु है तब ऐसी कंडीशन बनती है। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ हो जाएगा जेड टू माइनस के जेड वन। ठीक है, और जेड टू माइनस के जेड वन का बार, ठीक है, ऐसे ही जेड थ्री माइनस के जेड वन और जेड थ्री माइनस जेड वन का बार और जेड थ्री माइनस के जेड टू ले सकते हैं, जेड थ्री माइनस जेड टू का बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आप, जेड टू माइनस के जेड वन और इस बार को मैं लिख सकता हूँ जेड टू का बार माइनस के जेड वन का बार, सकता हूँ ना, ऐसे ही हो जाएगा जेड थ्री माइनस के जेड वन, ये हो जाएगा जेड थ्री बार माइनस के जेड वन का बार और यहाँ हो जाएगा जेड थ्री माइनस के जेड टू जेड थ्री का बार माइनस के जेड टू का बार। ठीक है, ये हमारे पास हो गई फर्स्ट टर्म, मान लेते हैं ये सेकेंड टर्म हो गई और ये थर्ड टर्म हो गई। ठीक है, हम दो दो टर्म्स को साथ साथ लेके चलेंगे, एक साथ सारा सॉल्व नहीं करेंगे, दो दो टर्म्स यहाँ पे लेके चलेंगे। तो हम यहाँ पे लेके चल रहे हैं फर्स्ट एंड थर्ड टर्म। ठीक है, कोई सी टर्म आप ले लो लेकिन एक रूल के अकॉर्डिंग लेनी है ये टर्म भी। यहाँ पर क्या होगा, उसका डिवाइड करना है हमको, है ना, भाग देना है। दो बार अलग टर्म लेंगे, एक बार फर्स्ट और थर्ड ले लिया, अब सेकेंड और थर्ड ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आप, फर्स्ट और थर्ड लेने में क्या किया हमने, जेड टू माइनस जेड वन और जेड टू बार माइनस के जेड वन का बार इक्वल टू जेड थ्री माइनस के जेड टू और जेड थ्री का बार माइनस के जेड टू का बार। ठीक है, तो यहाँ पर भाग देता हूँ मैं, जेड टू माइनस के जेड वन अपॉन जेड थ्री बार माइनस के जेड टू बार। ठीक है, इक्वल टू जेड थ्री माइनस के जेड टू अपॉन जेड टू बार माइनस के जेड वन बार। ठीक है, बार वाला नीचे ले आया, इस बार जेड थ्री माइनस जेड टू को मैं ले आया इस जेड टू जेड वन नीचे और इसको मैं ले गया यहाँ पर इसके नीचे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मल्टीप्लाई कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा,
जेड टू बार जेड टू माइनस के जेड वन इंटू क्या हो जाएगा, इन्होंने यहाँ पे प्लस वाली टर्म हो जाएगी, आपने सामने वाली जो योग अंतर अनुपात होता है ऊपर ऊपर वाले को जोड़ सकते हो या ऊपर दोनों को घटा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो टर्म चल रही है जेड थ्री माइनस जेड टू माइनस जेड वन प्लस जेड थ्री माइनस के जेड टू, ठीक है, यानी कि जेड थ्री माइनस के जेड वन प्लस जेड थ्री माइनस के जेड टू, और सेम काम हो जाएगा यहाँ पे जेड थ्री बार माइनस के जेड टू बार प्लस जेड टू बार माइनस के जेड वन बार, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि जेड थ्री बार माइनस के जेड टू बार प्लस के जेड टू बार और माइनस के जेड वन बार, तो देखिए ऊपर क्या आ जाएगा, ये तो ऐसे ऐसे रह जाएगा। यहाँ पर देखो आप जेड थ्री और जेड थ्री जुड़ जाएंगे, टू जेड थ्री हो जाएगा, तो ये जेड टू है, जेड थ्री नहीं है, ये है जेड टू, ठीक है, ये कट जाएंगे यहाँ से, ठीक है, और ये भी कट जाएगा यहाँ से, तो क्या बच जाएगा इधर जेड थ्री माइनस के जेड वन, और नीचे क्या बच जाएगा जेड थ्री बार माइनस के जेड वन बार, किसके बराबर है ये इस क्वेश्चन के बराबर है जिसमें हमने बराबर लिया था, ठीक है, जेड थ्री बार माइनस के जेड टू बार, और ये जाएगा जेड थ्री माइनस के जेड टू अपॉन जेड टू बार माइनस के जेड वन बार, ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ गया लोगों को, दिक्कत तो नहीं ना, दिख रहा होगा आपको जेड टू माइनस जेड वन, जेड थ्री माइनस जेड टू बार जेड टू और जेड थ्री बार माइनस के जेड टू बार, ठीक है, और ये हो जाएगा जेड टू बार माइनस के जेड वन बार, क्लियर। तो इसके किसके बराबर हो जाएगा ये जेड थ्री माइनस के जेड वन और अपॉन में जेड थ्री बार माइनस में जेड वन बार। अब ये तो हो गई आपके पास समीकरण नंबर एक, लगा लो। अब ऐसे हम क्या लेंगे, दो टर्म लेंगे, कौन कौन सी, सेकंड और थर्ड, ठीक है, उससे भी कंपेयर करेंगे, कर लेते हैं यहाँ पे हम, देखो बाय सेकंड एंड थर्ड टर्म, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा जेड थ्री, देख लीजिए आप सेकेंड और थर्ड टर्म कौन कौन सी है, सेकेंड है जेड थ्री माइनस जेड वन और ये है जेड थ्री बार माइनस के जेड वन बार, इक्वल टू में ये हो जाएगा आपके पास जेड थ्री माइनस के जेड टू और जेड थ्री बार माइनस के जेड टू बार, ठीक है, दिक्कत नहीं। तो आप देखिए वही करना है, हम काम नीचे लेके आना है, ठीक है, तो उससे भी हमारे पास क्या बन जाएगा, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर देखो आप इक्वेशन फर्स्ट और ये लेते हैं सेकंड नंबर का, ठीक है, अब जो फर्स्ट और सेकंड को आप हम क्या करते हैं गुणा कर देते हैं, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन आपको दिख ही रही है, ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा देखिए आप, इसको हम चाहे तो ऐसे ले लें, नहीं तो जेड थ्री माइनस के जेड वन अपॉन जेड थ्री बार माइनस के जेड टू बार और जेड थ्री माइनस के जेड टू अपॉन जेड थ्री बार माइनस के जेड वन बार, ठीक है, इसमें देखिए आप ये कुछ टर्म्स जो हैं आपके पास डिफरेंट है सभी का नंबर फर्स्ट से, फर्स्ट जो टर्म थी आपके पास उसमें से देखिए आप डिफरेंट का मतलब कि हमारे पास जो ये समीकरण बनकर आई है इसके अंदर मैंने आपके पास जेड टू माइनस जेड वन, ठीक है, अपॉन जेड थ्री बार माइनस के जेड टू बार बराबर में ये आया है, मतलब ये टर्म सेम ही है, ठीक है, तो यहाँ पे देखो जेड टू माइनस जेड वन मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं किससे, जेड थ्री बार माइनस के, तो जेड थ्री माइनस जेड टू से, ठीक है, जेड थ्री माइनस जेड टू से, क्योंकि ये मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो देखो नीचे वाली टर्म कैसी आ रही है, सेम सेम आ रही है, तो ऊपर ऊपर टर्म मल्टीप्लाई होनी चाहिए, जेड टू माइनस जेड वन मल्टीप्लाई जेड थ्री माइनस जेड टू और जेड थ्री माइनस जेड टू मल्टीप्लाई जेड थ्री माइनस जेड वन, ठीक है, तो देखिए ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ये
जेड थ्री माइनस के जेड वन मल्टीप्लाई जेड थ्री माइनस के जेड टू, ठीक है, सॉरी जेड टू माइनस जेड वन मल्टीप्लाई जेड थ्री माइनस जेड टू और इक्वल टू में जेड थ्री माइनस के जेड वन इंटू में जेड थ्री माइनस के जेड वन, दोनों तरफ सेम सेम वैल्यू आ रही है, ठीक है, जेड थ्री माइनस जेड वन आ रही है दोनों तरफ, इधर भी, समीकरण नंबर ए को दो गुणा कर दिया है, ठीक है, समीकरण नंबर एक व दो को गुणा करने पर, ठीक है, तो देखिए अब जेड टू इंटू जेड थ्री माइनस के जेड टू का स्क्वायर माइनस के जेड वन जेड थ्री मल्टीप्लाई करना आते हैं आपको, और यहां पर क्या हो जाएगा जेड थ्री माइनस के जेड वन का होल स्क्वायर हो जाएगा, जेड वन इंटू जेड टू प्लस जेड टू इंटू जेड थ्री माइनस के जेड वन इंटू जेड थ्री, ठीक है, और माइनस के जेड टू का स्क्वायर, और यहां पर क्या हो जाएगा स्क्वायर ओपन करूंगे तो जेड थ्री का स्क्वायर प्लस जेड वन का स्क्वायर माइनस के टू जेड थ्री जेड वन, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा देखो जेड वन का स्क्वायर इधर है जेड टू को उधर ले जाऊंगा तो जेड वन का स्क्वायर प्लस जेड टू का स्क्वायर, ठीक है, प्लस जेड थ्री का स्क्वायर, ये रहा जेड थ्री का स्क्वायर इक्वल टू जेड वन जेड टू प्लस जेड टू जेड थ्री, और ये टर्म इधर आएगी तो प्लस की हो जाएगी, ये भी दो में से एक चला गया तो एक बच जाएगा प्लस जेड वन जेड थ्री, ठीक है, तो ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आपके सामने ये चीज़ प्रूफ हो गई है, हैंड्स प्रूफ, ठीक है, तो स्टूडेंट्स फाइनली ये एग्जांपल काफ़ी थोड़ा बड़ा था लेकिन आपको समझ में आ गया होगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।